हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमो स्तुभ्यम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर आई एम विद माय अनदर स्टडी व्लॉग एंड आल्सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। आज सुबह सुबह मैं 5:45 को उठ गई थी। सबसे पहले मैंने अपने कॉलोनी के जो मंदिर है वहाँ पे पूजा की, स्नान कराया, अभिषेक कराया भोलेनाथ का। फिर उसके बाद हमारी लोकेलिटी में यहाँ पर जो सबसे बड़ा मंदिर है वहाँ पर मैं गई। ये बड़े मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्रॉपर वीडियो भी शूट नहीं कर पाई मैं। यहाँ पे जो मेन शिवलिंग का गर्भगृह है ना, वहाँ पे भी प्रॉपर मैं शूट नहीं कर पाई, इसलिए दूसरी जगह मैंने शूट किया। और ये सारी 10 महाविद्याओं के विग्रह है। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने घर के शिवलिंग की पूजा की, उनका स्नान कराया, उनको पंचामृत से अभिषेक कराया। फाइनली घर की पूजा ख़त्म करके, दोनों मंदिर की पूजा ख़त्म करके मैं 11:15 के अराउंड फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना फलाहार किया और लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और इसका मैंने रिवीजन नहीं किया बिल्कुल भी ठीक से। तो फिर मैं अब फाइनली इसको रिवाइज़ कर रही हूँ और इसको करते करते मुझे नींद आ गई, तो फिर मैं सोने चली गई थोड़ी देर के लिए। बस 15 मिनट के लिए गई थी, पर 1 बजे के अराउंड मैं गई थी और जब मैं उठी तो देखा मैंने कि 4 बज गए और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना रोना आ रहा था यार कि मैं क्या बताऊँ। पर फिर क्या कर सकती हूँ, थोड़ी देर रिग्रेट की 10-5 मिनट। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अराउंड 4:15 या फिर 4:20 के अराउंड शायद मैं वापस आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। उसके बाद जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है ना, कंटिन्यू पढ़ाई की है, मतलब बस बीच में 10-15 मिनट्स का बस ऐसे ब्रेक ले रही थी, उसके बाद मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस वक्त। सुबह जो मैंने 11:30 से 1 बजे तक के जो लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म जो भी ये चैप्टर का नाम है उसका जो मैंने रिवीजन किया था ना, वो मुझे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि मैं पूरी नींद में उसका रिवीजन कर रही थी। तो उठने के बाद शाम को 4:30 बजे से मेरे को फिर से इसका पूरा रिवीजन करना पड़ा और शायद एक आध लेक्चर मेरा रह गया था इसका देखना, तो मैंने वो लेक्चर भी कम्प्लीट किया। फिर लोकोमोशन वाला चैप्टर का रिवीजन करने के बाद मेरे बैकलॉग्स हो गए थे। इकोलॉजी का जो अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके मेरे बैकलॉग्स हो गए थे, तो मैंने उस बैकलॉग को कंप्लीट किया। फिर बैकलॉग के जो सर ने पढ़ाया था उसका मैंने चैप्टर का रिवीजन किया। ये वाला चैप्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, इसलिए मुझे ना इसको कम्प्लीट करने में बहुत टाइम लग रहा था। बट ठीक है, फिर भी मैंने कंप्लीट किया क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको ढंग से कंप्लीट करना ज़रूरी है। और फिर वो सब कंप्लीट करने के बाद मैंने रिवीजन किया। फिर जो मेरे केमिकल बॉन्डिंग में जो मेरे 1-2 टॉपिक्स में डाउट थे, मैंने उन टॉपिक्स के लेक्चर्स को फिर से रिवाइंड करके देखा। फिर उनके क्वेश्चन जो मैम ने करवाया उसको सॉल्व किया। और ऐसी सेम रेडॉक्स में भी 1-2 टॉपिक रह गया था, मतलब जिनका मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो मैंने उनको भी कंप्लीट किया। मुझे ना आज केमिस्ट्री में NCERT भी पढ़नी थी, केमिकल बॉन्डिंग की आधी चैप्टर की NCERT पढ़ी, आधा चैप्टर बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करना था। रेडॉक्स में एटलीस्ट एक बार रीडिंग लेनी थी मेरे को, पर ना मतलब क्योंकि मैं लेट सो के उठी और थोड़ा सा ना स्ट्रेस सा आ रहा था मेरी माइंड में, तो ना मेरा दिमाग थोड़ा सा सैचुरेट सा हो गया था, तो मैंने नहीं की फिर NCERT। बस मैंने डाउट सॉल्व किए अपने और उस डाउट्स का रिविजन किया। इसको करने के बाद मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी में 1-2 चैप्टर का रिविजन किया, मतलब 1-2 चैप्टर मतलब आधा चैप्टर, इवोल्यूशन का मैंने आधा चैप्टर का रिविजन किया। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि आज मैंने फिजिक्स से कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो फिर मैंने आज सेमीकंडक्टर के जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको कंप्लीट किया, मतलब शॉर्ट नोट्स का रिवीजन किया। शॉर्ट नोट्स एक्चुअली मेरे आधे शॉर्ट नोट्स हैं, इसको मेरे को कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने इस चैप्टर का बिल्कुल रिवीजन नहीं किया है। जितना शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया है अभी उतना मेरा रिवीजन हो गया है। रिवर्स बायसिंग वाला टॉपिक वो सब बचा हुआ है, तो उसका शॉर्ट नोट्स मतलब जब बनाऊंगी तब रिवीजन करूंगी अच्छे से। और यार मैं सच बताऊँ ना, मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि 4:30 बजे से लेकर अभी 12 बजे तक के मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही थी और आई थिंक अभी 12:30 होने वाला है कुछ, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने बस बीच बीच में 5-10 मिनट के ब्रेक लिए, इसलिए ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है आज क्योंकि मैं सो गई थी दोपहर में, वरना एटलीस्ट 10-11 आवर तो हो ही जाता। तो फिर आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक ले बाय, जय श्री राम।